पीले वाले चाचा, वो माफियाओं से मिलकर काम करते हैं। 6-6 करोड़ रुपए लेकर टिकट आप दे रहे हो, लेकिन आपको तुरंत चाहिए था, तुमको अपने बेटे को एमएलसी बनाना था। अब वो ना इधर के बच्चे ना उधर के, भाई ज्यादा गरम गरम खाएंगे तो मुजल जाता है। अखिलेश यादव जी से अच्छा रिश्ता कोई नहीं निभा सकता। चाचा छिटके छिटके घूम रहे हैं, बाकी उनके दल में कुछ बचा नहीं है। अभी रिसेंटली करीब 1 महीना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन नेताओं से मिलकर जेल में आए हैं। आप कब गए जेल? अगर अखिलेश जाएंगे तो जीत होगी और नहीं जाएंगे तो जीत नहीं होगी। सीधा ऑफर क्या लेकर आइए, आप मुख्यमंत्री बनिए। कोई भी गठबंधन का दल है वो जिता नहीं सकता। अभी आपने क्या कहा, केशव प्रसाद मौर्य को क्या किया जाता है? बेचा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। उप मुख्यमंत्री को हार जाना बहुत बुरा होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सभी की नजर रहती है। आए दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति देश दुनिया के लिए सुर्खियों में बनी रहती है और इस तरह से कई विवादों से नाता भी रहता है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। अगर बात करें मुख्य विपक्षी दल सपा की, तो सपा भी विवादित बयानों से दूर नहीं रह पाती और लगातार अपने बयानों से या फिर सत्ता दल के बयानों से सुर्खियां बटोरती रहती है। और बीते कुछ दिनों से भी कुछ ऐसे बयान सपा के सामने आए हैं जो कि लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आज हम लेने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम चक्रव्यूह में। नमस्कार, TV24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और शुरुआत हो चुकी है चक्रव्यूह की। ये वो चक्रव्यूह है जिसमें हम कई सवालों के जवाब लेते हैं पार्टियों के प्रवक्ता और नेताओं से। और आज हमारे साथ हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मयंक यादव जी, जो कि सपा नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम चक्रव्यूह में। सबसे पहला सवाल कि सपा के रिश्ते कैसे चल रहे अपने गठबंधन दलों से, क्योंकि गठबंधन के जो कई साथी रहे हैं अलग अलग होते जा रहे हैं। और अगर बात करी जाए शिवपाल यादव की, प्रसपा की, तो उनसे कैसे रिश्ते हैं? देखिए सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने अपने चैनल पे बुलाया और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बातें रखने के लिए बुलाया। मैं पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ। और रही बात हमारे गठबंधन दलों से, हमारे जो संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उसके सबसे बड़े उदाहरण में ले लीजिए राष्ट्रीय लोकदल को। राष्ट्रीय लोकदल आज भी हमारे साथ है, अपना दल आज भी हमारे साथ है जी। जाते हैं तो पीले वाले चाचा, अब उनको अपने बेटे को MLC बनाना था, अब वो चाहते हैं कि सारी चीजें उन्हीं के बेटे को दे दी जाए। तो भाई और भी गठबंधन दल है हमारे पास, उनसे भी हमें अपने संबंध बना के रखने। भाई आगे आपको दिया जाता, लेकिन आपको तुरंत चाहिए था। भाई ज्यादा गरम गरम खाएंगे तो मुजल जाता है। अब उनको गरम गरम खाना था, अब वो ना इधर के बच्चे ना उधर के, आए दिन उनके बयानबाजी हो रही है, इधर उधर बोल रहे हैं। माननीय चाचा जी की बात आती है, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मानसून सत्र से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्पीकर साहब को पत्र लिखकर कहा कि चाचा को आगे की सीट दी जाए। तो देखिए अखिलेश यादव जी रिश्ते निभाने में उनका कोई सानी नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत जी को राज्यसभा भेजा गया। देखिए ये बड़े दिल वाले ही कर सकते हैं, जिनका दिल छोटा सा है जो एक MLC सीट के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनके लिए देखिए समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य दल हो तो वो आना जाना उनका लगा रहता है, वो ज्यादा दिन वहां टिक नहीं सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी भाई जिन दलों से गठबंधन वो तो बचा हुआ है ना। अब जो लोग खुद से भाग रहे हैं समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं कि हम आपको भगा रहे हैं, भाग जाइए यहाँ से, लेकिन जब आए दिन उल्टी सीधे बयानबाजी, अब आप सीधे हमारे नेता को टारगेट करेंगे तो देखिए बुरा तो लगता है, हर एक कार्यकर्ता को बुरा लगता है। हर एक कार्यकर्ता जब हम लोग समाज में बैठते हैं 4-6 लोग, तो ये कहा जाता है कि फलाने गठबंधन के नेता जी ऐसा बोल रहे हैं हमारे नेता के बारे में, जबकि हमारे नेता बड़े दिल से भाई जैन जी को राज्यसभा भेजा, आपके बेटे को भी MLC बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सदन में रहना बहुत ज़रूरी है, अब कम सीटें हैं, अब कम लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन अब जब समय आपका आएगा तो आपको भेजा जाता जी। तो बाकी अगर रिश्तों की बात आती है, अखिलेश यादव जी से अच्छा रिश्ता कोई नहीं निभा सकता। अब चाचा छिटके छिटके घूम रहे हैं, ठीक है, अब उनका अपना मन है, उनका अपना दल है, अब वो अपने दल को लेकर अलग जा रहे हैं और बाकी उनके दल में कुछ बचा नहीं है। और मेरे ख्याल से बचा तो पहले भी नहीं था, वो तो दिखावे के लिए आ गए थे कि हम ये हैं, हम वो हैं। देखिए आप चाचा हैं, आप पुराने नेता हैं, आपका इस चीज़ का सम्मान है, लेकिन अब कल के आपके जो दल के लोग हैं वो छींटा कसी करें तो वो गलत है। पीले वाले चाचा जी आपने नाम दिया ओपी राजभर को,
तो आपका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये निकल रहा है कि वो अपने मतलब से आए थे और मतलब की वजह से चले गए। अब ये तो वही बता सकते हैं कि अपने मतलब से, लेकिन फिलहाल उनकी डिमांड तो सीट की ही थी कि हमारे बेटे को एमएलसी सीट दी जाए। भाई आपके बेटे को चुनाव लड़ाया गया जी। जब चुनाव से काउंटिंग से एक दिन पहले ईवीएम मशीनों के आने जाने का एक विवाद उत्पन्न हुआ, वो भी आपके ही बेटे की विधानसभा में था। आपसे ज्यादा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, जेल में है, आज भी जेल में है। अभी रिसेंटली करीब एक महीना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन नेताओं से मिलकर जेल में आए हैं। आप कब गए जेल मिलने? गए उनसे? भाई जो आपके लिए लड़ने वाले आप उनके लिए जाएंगे, सीधे सीट हमको दे दो कि हम राजधर के नेता हैं, हमको सीट दे दो। जिस दिन वो समाजवादी पार्टी पर बयानबाजी करते हैं, उसके एक या दो या चार घंटे बाद उन्हीं के पार्टी के 40 से 45 नेता सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं। अब वो तो कहीं के नहीं बचे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उन पर आरोप लगा रहे हैं। आपने भी देखा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, प्रदेश महासचिव ने कितने गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं कि वो माफियाओं से मिलकर काम करते हैं। ये चीज तो जाहिर है उनकी। अब वो कह रहे हैं टीवी पर आके कि फलाने जहां भी हो वो अपने आप को सरेंडर कर दें। जी। यार आप 6-6 करोड़ रुपए लेकर टिकट आप दे रहे हो, ये बात भी आपके ही नेताओं जगह, हमारी कोई बात नहीं, ना हमारे दल ने कही, ये तो आप ही की चाचा की पार्टी के लोग जो है वो कह रहे हैं कि 6-6 करोड़ रुपए लेकर इन्होंने टिकट बांटे हैं। तो अब ऐसे लोगों का क्या कैरेक्टर है? भाई पहले आप अपना कैरेक्टर डिसाइड करिए। आप कहते हैं कि आप बहुत गरीब घर से हैं, आप गरीब घर से, अच्छा है, पैसे की आवश्यकता राजनीति में होती है, लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत हो गई कि अपने ही घर में सब होना चाहिए? भाई और भी कार्यकर्ता नेता है, उनसे मिलकर तो बात करिए। भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कर सकते थे, 6-6 का 10-10 करोड़ में टिकट भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीब गुरबों को टिकट दिया, आज विधायक हैं जी। तो इस तरह की चीजें उनके पास हैं, अब सबका अपना मन है, कर दे रहे हैं। अखिलेश जी ने जब सीटिंग अरेंजमेंट को लेके अपनी बात रखी, जब शिवपाल जी के लिए उन्होंने कहा कि सीट आगे करनी चाहिए, इसके बाद से भी कई बयानबाजियां तेज हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो फिर से चाचा के साथ रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव। हाँ बेहतर, देखिए अखिलेश यादव चुनाव को देखते हुए रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। देखिए परिवार भी है जी, उनके सगे चाचा है, तो अब कौन किस वे में किस चीज को लेता है जी, ये उसके लेने पे डिपेंड करता है। अब चाचा है भाई, उनका सम्मान है, हमारी पार्टी से ही वो विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, इस नाते उन्होंने आगे की सीट देने के लिए, बाकी अखिलेश यादव जी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाकर भाई विधानसभा चुनाव से पहले खुद चाचा जी के पास गए, भाई बड़ा दिल दिखाया, वो भतीजे हैं, वो चाचा हैं, उस रिश्ते को निभाया, राजनीतिक रिश्ते को निभाया, अब हर चीज अखिलेश यादव ही निभाए, तो ये भी दूसरों को भी सोचना चाहिए। बाकी चाचा का सम्मान है, वो आते हैं तो सम्मान है, नहीं आते हैं तो सम्मान रहेगा, उनका सम्मान आजीवन रहेगा जी, सम्मान रहेगा। लेकिन आरोप तो ये लगता है अखिलेश पे कि वो अपने सीनियर लीडर्स की इज्जत नहीं करते हैं, वो चाहे आजम खान हो, शिवपाल हो, विराज भर हो, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, इस पे क्या कहेंगे, सपा की क्या राय? आजम खान साहब की कौन इज्जत नहीं करता है? अखिलेश यादव जी ने कब गाली दे दी? अभी मानसून सत्र चल रहा था, एक दिन के सत्र में तो सीधे सारे सवाल और वॉकआउट आजम साहब को लेकर ही हुआ जी। तो देखिए आप आरोप लगाने के लगा लीजिए कि वो ये करते हैं, वो करते हैं, जितना मैं समझता हूँ या समाजवादी पार्टी जितना सम्मान अखिलेश यादव सीनियर्स का देते हैं, जब भी कोई मीटिंग्स होती है, जब भी भाई नौजवान होता है जाके आगे सीट पे बैठ जाता है, तो हमेशा वो आगे कहते हैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं आप उनको आगे बैठाइए, आप लोग पीछे बैठिए, सीनियर्स का सम्मान करिए। और वो भी जब भी आप देखते होंगे मीटिंग होती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग जाते होंगे, आप लोग ये चीज खुद अपने आंखों से नोटिस करते होंगे या देखते होंगे कि उनके साथ सारे सीनियर लीडर ही बैठते हैं, भले ही वो वर्तमान में विधायक सांसद हों या ना हों, अगर वो सीनियर हैं तो उनके साथ उनकी सीट रहती है। तो ये आरोप तो निराधार है, पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका गुस्सा लगी है तो गुस्सा कहीं का कहीं उतार दो आके, वो अलग का विषय है। बाकी अखिलेश यादव जी से ज्यादा सम्मान मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए या नेताओं के लिए रखता होगा। अभी एक प्रतापगढ़ में घटना हुई, मुख्यमंत्री महोदय गए हुए थे, एक नौजवान ने उनको काला झंडा दिखाया जी। उस पर सरकार के इशारे पर बम वम रखने का आरोप लगा कर उसको जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव जी ने उस कार्यकर्ता की आवाज सदन में उठाई, कहाँ मिलेगा ऐसा नेता? ऐसा नेता हम लोग क्यों छोड़ के नहीं जा रहे हैं? ऐसा नेता ढूंढने पे नहीं मिलेगा, बाकी तो एम्स तो सब जगह बन जाएगा जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बयानबाजी सभी जगह सुर्खियां बटोरती है, और कुछ समय पहले
पहले की बात है जब एसी के कमरे से निकलने वाला जो बयान था जो कि ओपी राजभर द्वारा दिया गया था और शिवपाल ने भी इसका समर्थन किया था, तो ये काफी चर्चा में बना रहा। सपा की इस पे क्या राय है? देखिए, जो दल हमारे साथ हैं आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। अब जो दल विपक्ष में है लेकिन हमारे साथ नहीं है, अब उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी या सत्ता से नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ अखिलेश यादव जी से कि ये इतने बड़े नेता कैसे हैं। भाई जनता मानती है तब वो नेता है। तो अभी कुछ समय पहले दो चुनाव हुए थे, दो जगह पे चुनाव हुए थे और उसके बाद सपा के सारे गठबंधन दलों ने ये आरोप लगाया था कि अगर प्रचार के लिए खुद अखिलेश यादव वहां पहुंचते तो हार ना होती। तो वहां कहा, तब कहा थे अखिलेश यादव? पीले वाले चाचा बड़ा चहकते थे कि वो सीटें सब पूर्वांचल हमने जितवा के दे दिया है जी। जो जो कहता था जो भी गठबंधन दल थे कि हम बहुत बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई ठीक है आप लोग नेता हैं, आपको एक मौका और दिया जाता है, अपनी नेतागिरी साबित करिए। नेतागिरी उन्होंने साबित कर दी। देखिए, बिना अखिलेश यादव जी के वोट नहीं मिलता, ये सच्चाई है। वो करते रहे कि मैं पूर्वांचल का बड़ा नेता हूँ, पीला गमछा डाल के मैं पूरा पूर्वांचल जितवा के दे देता हूँ। चुनाव के बाद वो यही तो आरोप लगाते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। अब वो जितवा के नहीं भेज पाए भाई, वो भी तो गठबंधन दल में थे, उनके बेटे भी तो एमएलसी बनना था जी। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि दिखा दिया अखिलेश ने कि अगर अखिलेश जाएंगे तो जीत होगी और नहीं जाएंगे तो जीत नहीं होगी, मतलब कोई भी गठबंधन का दल है वो जिता नहीं सकता, क्या यही कहना चाहते सपा? देखिए, जो आरोप लगाते थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अखिलेश क्यों नहीं गए? पार्टी के तौर पर तो अखिलेश को सबसे ज्यादा सक्रिय रहना चाहिए। देखिए, माननीय धर्मेंद्र जी उनके छोटे भाई हैं जी, वो चुनाव लड़ रहे थे और भाई जब उनके घर का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उनके ही दल से लड़ रहा है जी, तो जाहिर सी बात है उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन वो वहां पर अपनी चला रहे थे जी। पीली पार्टी के लोग अपनी चला रहे थे कि मतलब हम कद्दू में तीर मार के भेजेंगे और वहां पर लौकी दिखेगी। क्या दिखा? कुछ नहीं दिखा, जीरो हो गए जी। सपा की लड़ाई किससे है, भाजपा से या अपने गठबंधन के साथियों से जो अभी तक उनके साथ गठबंधन में रह चुके हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की लड़ाई शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से ही रही है, जब से हम लोग विपक्ष में आए हैं जी। और समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा होगा कि पीले वाले चाचा से लड़ाई है, घर के चाचा से लड़ाई है, फलाने ढिमाके के, ऐसा कुछ नहीं कहा, या अन्य दलों से भी नहीं कहा जी। मैं ये समझता हूँ कि शायद जो बुआ जी है बहुजन समाज पार्टी, उनकी भी लड़ाई समाजवादी पार्टी से ही है। तो जितने विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो लोग भी विपक्ष में, हम भी विपक्ष में हैं। बस ये कि हमारे पास सीटें ज्यादा हैं, आपके पास सीटें कम हैं। अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों के साथ सपा में निमंत्रित किया था। ये तो उनपे डिपेंड करता है, हम ऑफर दे रहे थे भाई, पिछड़ा वर्ग के वो नेता है जी, बताए जाते हैं, उनको बेचा जाता है भारतीय जनता पार्टी में इसी नाम पर कि मौर्य जी पिछड़ा वर्ग के नेता है। अभी आपने क्या कहा जी? केशव प्रसाद मौर्य को क्या किया जाता है? बेचा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, मार्केट में उनको ये लेके आते हैं कि केशव प्रसाद जी हैं, ये पिछड़ा वर्ग के हमारे चेहरे हैं और आप इनके नाम पर हमको वोट दीजिए, इनको हम कुछ अच्छा देंगे, बना के आखिर में क्या रख देते हैं उनके विभाग का। पिछली बार जब वो आप कैसे कह रहे हैं कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, हारने के बावजूद उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। अब भाई इतना बड़ा प्रदेश जितवा के दिया है ओबीसी के नाम पर, अब कुछ तो दिखावे के रूप में तो रखेंगे। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि उनको बीजेपी यूज करती है। हाँ, इतने बड़े अगर नेता हैं वो जी। इतना अगर उनको अहमियत दी जाती तो पिछली बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग पाने के बाद कहा कि हम पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे जी। क्या स्थिति है, तब से लेकर आज तक 5.5 साल हो गए, उनकी कौन सुनता है? मतलब आपका कहना है कि बीजेपी में उनको अहमियत नहीं मिल रही है, सपा दे सकती है वो अहमियत? सीधा ऑफर है, आप लेके आइए, आप मुख्यमंत्री बनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ये शब्द हैं, हमारे मतलब ये ऑफर उनके लिए हमेशा खुला है। अब उस समय जब ऑफर था तब वो आते, अब इस ऑफर के बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे बेहतर कि वो ऑफर हमेशा के लिए है या कुछ दिनों के लिए था। केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और अब बीजेपी और सपा के बीच बयानबाजी की कोल्ड वॉर भी शुरू हो गई। वो बयान ये है कि बीजेपी का कमल खिल रहा है, खिलता रहेगा और अखिलेश यादव अपनी लड़ाई जारी रखे, 25 साल तक उनका कोई भविष्य नहीं है। इस बयान के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब वो भविष्य की बात अगर आती है तो उनका खुद का भविष्य, अपने विधानसभा में हार गए और बहुत बुरी हार हारे। देखिए, एक उप मुख्यमंत्री को हार जाना बहुत बुरा होता है, तो वो हारे हैं या अपने ही दल द्वारा हरवाए गए हैं, पहले तो इस चीज का वो मंथन करें। समाजवादी पार्टी पर वो आरोप लगाते रहें, बाकी उनके आरोपों का कोई
मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। जब वो खुद हार गए, खुद अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अनुकंपा पर सदन में है, तो क्या अहमियत है उनकी? अपने दल द्वारा हरवाए गए हैं, ये लोगों का तो यही कहना है। लोगों का कहना है, सपा का कहना है, वो भी कभी कभी इशारों में बता देते हैं। मतलब बीजेपी ने सपा के प्रत्याशी को जिताया है, अगर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हरवाया तो नहीं, सपा के प्रत्याशी को, इसका जवाब तो वही देंगे कि उन्होंने किसको जितवाया किसको हरवाया। बस हम ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के जिताने के लिए सारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने मेहनत की, वो मेहनत सफल रही, हम लोग एक उप मुख्यमंत्री को हरा कर वहाँ पर जीते हैं। अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो उनका क्या विजन है 2024 को लेके? क्योंकि जब विधानसभा चुनावों में हार हुई तो वो नेता प्रतिपक्ष बन के बैठ गए, यानी दिल्ली से कुछ उन्होंने दूरी बनाई है, तो 24 में वो क्या करने वाले हैं? देखिए, 24 में हमारा टारगेट एकदम सीधा और साफ है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और हम उसको इस बार हरा कर भेजेंगे यहाँ से। जी, लेकिन अंदरूनी कलह को दूर करना भी तो जरूरी है। अंदरूनी कलह कोई नहीं है, हमारे एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने बूथ पर लोगों से मिल रहा है और उसकी जो भी मदद हो सकती है वो कर रहा है विपक्ष में रहते हुए। ऐसा माना जाता है कि जो सीनियर लीडर्स रहे हैं सपा के, वो चाहे शिवपाल रहे हों अपने समय में या आजम खान रहे हों या तमाम बड़े नेता रहे हैं, अगर उनका सानिध्य रहता अखिलेश के साथ, क्योंकि अकेले जब उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है इस चुनाव में 2022 के चुनाव में, अगर बाकी सबको साथ लेके चलते तो ऐसा संभव था कि उनकी जीत होती? कहीं ना कहीं उन्होंने अनसुनी करी है सबकी, इस वजह से हार हुई है सपा की। सपा क्या मानती है? आजम साहब ने तो ऐसा कहा नहीं कि अखिलेश यादव जी ने हमारी नहीं सुनी। शिवपाल जी कहते हैं, राजभर जी कहते हैं, तो ये इनका अपना अपना दल है जी। लेकिन हमारी पार्टी के आजम खान साहब हैं, महासचिव हैं, सीनियर लीडर हैं, उनके हर बात को सम्मान तवज्जो दिया जाता है, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। माता प्रसाद पांडे जी हैं या पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, कौन से सीनियर लीडर ने कह दिया? किसी ने तो नहीं कहा कि अखिलेश यादव जी हमारी बात नहीं सुनते जी। अब दूसरे दल के लोग कह रहे हैं तो अब ये इसको हमारी पार्टी से ना जोड़ा जाए। जो लोग भी समाजवादी विचारधारा को लेके चलते हैं वो ये मानते हैं कि अखिलेश समाजवादी विचारधारा से दूर हो रहे हैं। जो मुलायम सिंह के समय में राजनीति होती थी वो अलग थी और इस वक्त जो अखिलेश राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलग है। देखिए, हर किसी के काम करने का अलग तरीका होता है। अब जब शिवपाल जी पार्टी में थे उनके काम करने का तरीका अलग था, माननीय नेताजी के काम करने का तरीका अलग है। अब देखिए, जब नेताजी थे उस समय सोशल मीडिया बहुत नाम मात्र की थी जी। तो आज सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो हर प्लेटफॉर्म पर अपने आप को एक्टिव रखना है। और नेताजी के समय और अब के समय में देखिए चेंजेस तो आए हैं, सभी लोग जानते हैं। और पिछले जब 12 से 17 समाजवादी सरकार रही जी। तो प्रदेश को हाईटेक बनाने में या एडवांस बनाने में, स्मार्ट सिटी जो भारतीय जनता पार्टी रटती है, प्रदेश को स्मार्ट बनाने में अखिलेश यादव जी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अभी तक के मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया होगा, ये जनता में हर कोई जानता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चक्रव्यूह में अपनी बात को रखने के लिए। तो आज हमारे साथ सपा नेता मयंक यादव जी जुड़े थे, जिन्होंने कई ऐसे सवालों के जवाब दिए जो काफी चर्चा का विषय बने रहते हैं, जो हमेशा ऐसे मुद्दे बने रहते हैं जिसको लेकर चर्चाएं तेज होती हैं, बयानबाजियां तेज होती हैं, और उनके जवाब हमने जाने, साथ ही साथ जाना कि 2024 के लिए क्या विजन है सपा का। फिलहाल आज की इस चक्रव्यूह में इतना ही, आप देखते रहिए TV24।